ऑफिस पे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को और पूरे देश को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 जो हमारे देश में जो लैंड हुआ चांद के ऊपर, ये इसके पहले अमेरिका, रूस, चीन, उसके बाद हिंदुस्तान, तो यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के प्रयासों से, उन्होंने उनकी कोशिशों से ये काम आज यहाँ तक पहुँचा है। मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ख़ास करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट इस तरीके से है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि फ़िलहाल मैं अभी TMT का मेंबर हूँ। हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वाड़ साहब ने हमें इस पोजीशन में बिठाया था और काम करने का एक मौका दिया था, जिसके लिए हम पूरी कोशिश के साथ अपने कार्य पे लगे रहते हैं। बहुत दिनों के पहले हमारी एक मांग थी कि मुमरा कौसा यानी सिल मुमरा दिवा के लिए एक 6 बसेस चलाई जाए इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमने कई बार सभागृह के अंदर भी आवाज़ उठाई थी जबर भाई जी, कई बार खत के ज़रिए भी मांग किया था और हमें वहाँ से बाय राइटिंग खत भी आया था, लेकिन कुछ बसेज आई थी जो अब तक हमारे शहर को नहीं मिल पाई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चेयरमैन विलास जोशी काका को और ख़ास करके हमारे व्यवस्थापक भेरे साहब को कि उन्होंने हमें खत दिया है और उस खत में ये वाजे किया है कि 2 बसेस इलेक्ट्रॉनिक्स की, अभी 10 बसेस आज आई है थाने के अंदर, वो 10 बस के अंदर 2 बस हमें मिल रही है डॉक्टर साहब। 2 बस जो हमने ये कहा उनसे कि सर सबसे पहला ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बसेस चलाया जाए मुमरा से लेकर के भिमंडी तक के लिए, यानी भिमंडी टू मुमरा, मुमरा टू भिमंडी। अनवर भाई का सफ़र अक्सर होता है भिमंडी का, अब तक 2 बस चलती है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पैसेंजर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उसको देखते हुए हमने ये तय किया है और हमारे व्यवस्थापक साहब ने, चेयरमैन साहब ने, हम लोगों ने ये तय किया है कि 2 बस इलेक्ट्रॉनिक्स की इंशाल्लाह ताला भारत गेट से लेकर के भिमंडी तक दौड़ेगी, यानी 2 थी और 2 और हो गई। और ये डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला अगले मंडे या मंगलवार तक ये बस का हम लोग उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करके इसको यहाँ से रवाना कर देंगे। ये थी एक अच्छी न्यूज़। मैं बार बार कहता हूं कि मुमरा का भिमंडी से, भिमंडी का मुमरा से एक भाई बहन का रिश्ता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है रिजवी साहब कि वहां आने जाने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस काम को किया है। इंशाल्लाह ताला भिमंडी और मुमरा के जो भी प्रवासी हैं उन्हें इंशाल्लाह इस बात का फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद हमने और एक मांग किया था, जो मांग था कि माझीवाड़ा से लेकर के सिलफाड़ा तक बस चलाई जाए, उसकी भी मंजूरी हमें मिल गई है। तीसरी बस जो हमारी आएगी, वो तीसरी बस इलेक्ट्रिक जो है वो माझीवाड़ा से लेकर दौड़ेगी भारत गिर तक। ये इंशाल्लाह ताला उसका डेट मुझे नहीं मिला है, वो मुझे कब आएगी, लेकिन उसका लेटर हमें मिल चुका है। यह है उसका लेटर, हम आपको ये लेटर बाय हैंड भी देंगे अभी। ये भी इंशाल्लाह ताला कल से ये बस चालू हो जाएगी, ये उम्मीद की जाती है। तीसरी बात कि मुमरा से देखिए थाने महानगर पालिका के अंतर्गत मौलाना हकीम अजमल खान एक हॉस्पिटल बनाया है हमारे शहर में, बना हुआ है वहाँ पे। मैंने इसके पहले भी बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने न्यूज़ भी शाया किया था कि एक बस चलाई जाए जो कि रेती बंदर से लेकर के सिलफाड़ा तक ये बस चलाई जाए। और
ये मित्तल का जो रोड है उस रोड से होते हुए वीर अब्दुल हमीद मार्ग को होते हुए वो कनेक्ट करेगी अपना मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल का, उसका मेन स्टॉप होगा और वहाँ से फिर वो जाएगी रेत सिलवाड़ा तक जाएगी। वो ये भी मंजूरी मुझे मिल गई है, यह है उसका लेटर, हम दिखाना चाहेंगे आपके माध्यम से। ये भी इलेक्ट्रिक बस है। अब अगर इलेक्ट्रिक बस चौथी बस हमको टाइम से नहीं मिलेगी तो जो ये बस हमारी टीएमटी की चल रही है हमारे शहर में, इसी बस को जब तक के लिए वो नहीं आती है। दूसरा अजमर भाई, जैसे बता दूं मैं आपसे कि 6 बस हमको मिली है रिजवी साहब मुमरा कोसा के लिए, 6 में से 3 तो कंफर्म हो गई है, चौथी अगर आती है तो वो बस वहीं दौड़ेगी, नहीं तो जो ये बसेस हमारी चल रही है पुरानी बसेस जो हमारे पास है टीएमटी की, वो बस इंशाल्लाह ताला मंडे से कोशिश होगी कि मंडे से ये बस का एक मेन बस स्टॉप होगा हॉस्पिटल का और वो बस हमारे हॉस्पिटल तो होते हुए सिलफाटा और वहाँ से होते हुए हॉस्पिटल होते हुए मुमरा रेलवे स्टेशन और रेती बंदर तक जाएगी। बहुत सारे लोगों को रिक्शा टाइम से नहीं मिलता है और रिक्शे का किराया भी ज़्यादा होता है, बस का किराया कम होता है, इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं इन चीज़ों की समस्याएँ हो रही थी, तो ये भी हमारे टीएमटी की तरफ से एक काम मुकम्मल किया गया है। एक और जानकारी आपके माध्यम से दे दूं मैं, शहर के अंदर बहुत सारे जगहों पे रिजवी साहब बारिश बहुत तेज़ से आई, बहुत सारे तूफान भी आए, ऐसे हालात में या कहीं कुछ रोड के काम चालू हैं उसको लेकर के जो 38 हमने बस स्टैंड लगाए थे वो कहीं ना कहीं कुछ बस स्टैंड निकल गए हैं, तो नेक्स्ट वीक में अनवर भाई कुछ 3 बस स्टॉप का आपने मुझे खत दिया था, आपकी एक जो ट्रस्ट आई थी वो फाउंडेशन आई थी तो आपने एक कहा था कि कादर पैलेस के नाके पे और एक शिमला पार्क की आपने बात किया था और एक कब्रस्तान की आपने बात किया था, तो 3 ये बस स्टैंड इंशाल्लाह वो और कुछ शंकर मंदिर पे ज़रूरत है वहाँ पे भी नहीं है, हमारे वहाँ के जो मकामी नगर सेवक नगर सेविकाएँ हैं उन्होंने भी उसके लिए हमें अपील किया था और खरेड़ी गांव के पास और बाकी जहाँ पे भी बस रुकती है वहाँ पे जहाँ बस स्टॉप नहीं है वो बस स्टैंड वहाँ पे जो स्टैंड बस स्टॉप है वो वहाँ लगाया जाएगा। और जो मैं बार बार अपने शहर को यह कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 9 बस शेड बस स्टॉप लग गए हैं लेकिन एक 4 शेड बस स्टॉप हमको और मिलने वाले हैं, वो कब मिलेंगे ये अगर मैं आपको डेट दे दूं तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके काम चालू हैं, आज ही बात मेरी व्यवस्थापक साहब से हुई है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो बस स्टॉप हमारे बीच में होगा। सर, जिस बस स्टॉप पर लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है, अतिक्रमण व्याप्त है, पूरे बस स्टॉप को जो है अपने कब्जे में ले लिया है, उसके लिए क्या करिएगा? देखिए सुल्तान रिजवी साहब, ये आपने बहुत अच्छा एक बात रखा है, जो लोगों ने ऐसा किया है मैं उनको तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये अपील करता हूँ, उन्हें ये विनंती करता हूँ कि आप वो जगह पे जहाँ पे आपने लाकर के, मैंने देखा है कि एक कोई होटल वाला है उसने बस स्टॉप को लाकर के होटल बना दिया, बहुत सारे लोग लाकर के बस स्टॉप के सामने पार्किंग करते हैं, ख़ास करके ये समस्या मुमरा में है और कौसा के अंदर भी ये समस्या है, कौसा के अंदर भी लाकर के लोग पार्किंग कर देते हैं। अगर बस स्टॉप के सामने आप लाकर के गाड़ी और ये सब पार्क कर देंगे तो डॉक्टर साहब बस कहाँ रुकेगी? फिर बस आगे रुकेगी बीच रोड के ऊपर, फिर आप कहेंगे शहर में ट्रैफिक होता है नवानी साहब, तो ये सब चीज़ें गलत है। मैं अपील करता हूँ आज आपके माध्यम से कि इन सब चीज़ों को लेकर के इस पर दूरी लाई जाए और इस पर खास ध्यान दिया जाए, वरना हमारे शहर की समस्याएँ ये बंद नहीं हो पाएगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और जो मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत सारी और भी कुछ परेशानियाँ हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने आयुक्त महोदय साहब को लेटर भी दिया है, वहाँ पे बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ डॉक्टर शारमिन डिंगा उस हॉस्पिटल को संभालती हैं, मैनेज करती हैं, मेरी उनके साथ बात हुई, उन्होंने बताया कि सर मैं एक दिन वहाँ विज़िट किया बबलू भाई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से आते हैं कि हॉस्पिटल है लेकिन उनका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिसमें से
सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हॉस्पिटल में सभी प्रकार के टीकाकरण सेवा शुरू करना चाहिए, जिसमें फीवर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, इंटीमेशन वैक्सीनेशन है सेंटर है, पोलियो है, वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करना है, साथ ही अन्य सभी टीकाकरण को सेवा शुरू करने की मांग हमने आयुक्त महोदय से किया है। हॉस्पिटल में तो शमीम भाई मैटरनिटी की है ना प्रायोरिटी, तो हम बताते हैं आपको तो सर, तो सबसे ज्यादा मसला नहीं बताते हैं सर आपको, हम बताते हैं पहले हमने जो मांग किया आयुक्त महोदय से, हॉस्पिटल में डे नाइट इमरजेंसी सेवा शुरू किया जाए। क्या होता है इब्राहिम भाई कि हॉस्पिटल में अगर डे नाइट की सेवा शुरू नहीं है, वहाँ पे उसका एक टाइमिंग तय है, क्या टाइम डॉक्टर साहब जो टाइमिंग तय है वहाँ पे सुबह एक कुछ 8 घंटे का कुछ ताद वक्त वहाँ पे है, तो डे नाइट अगर वहाँ सेवा शुरू नहीं रहेगी तो अगर इमरजेंसी पेशेंट आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट कैसा किया जाएगा, वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनके पास सुविधा पैसे नहीं होते हैं, ऐसी भी तकलीफ लोगों के अंदर है, तो वो डे नाइट किया जाए ऐसी हमने मांग किया है। हॉस्पिटल में प्राथमिक आरोग्य सेवा फर्स्ट एड मेडिकल सर्विस शुरू की जाए, ऐसी भी हमने मांग किया है। शमीम भाई जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर चीज़ की सर्विस शुरू की जाएगी, लेकिन उसको प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है, ऐसा कई आरोप भी लगाए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस हम तो उसके बारे में हम, क्या कहना हम आरिफ भाई इसके ऊपर आते हैं, हम पहले बात हमारी कंप्लीट कर लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट ये है सर कि हॉस्पिटल में अब तक एक्सरे मशीन चालू नहीं हुई है, तो हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन भी चालू किया जाए, ऐसी भी मांग हमने आयुक्त महोदय से किया है, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब कामों के ऊपर हमारे आयुक्त महोदय के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि आयुक्त साहब जो है अच्छे आयुक्त मिले हैं हमारे शहर के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे महानगर पालिका के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये खत मेरा उन तक पहुँच गया है, और आज आप तमाम पत्रकार भाई यहाँ मौजूद हैं, ये सब शहर की इस हॉस्पिटल की बहुत वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि मैं ये कहता हूँ अगर पॉसिबल हो तो सर ये कल से स्टार्ट कर दिया जाए, मैं इसी मांग करता हूँ। देखिए कलवा के अंदर भास्कर नगर में विद्यार्थियों के लिए TMT की बस सुविधाएं हमने चालू किया है, अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल के लिए, वहाँ पे भी गरीब बच्चे थे, काफ़ी सलम इलाका है सुल्तान रिजवी साहब, वहाँ पर भी हम लोगों ने खैरुल इस्लाम अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल माहिगिरी से भी बस चालू कर दिया। हमने स्कूल की मांग पर TMT के गैर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मासिक में 20% की छूट की मांग की हमने किया है कि 20% की उनकी फीस माफ़ किया जाए, ऐसे हमने हाँ मतलब पास दिया जाए उनका और उनके लिए मतलब 20% की छूट किया जाए, ऐसे हमने बहुत सारे सुविधाओं को लेकर के ये सब खत के ज़रिए और कॉल के ज़रिए हमने मांग किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे थाने के आयुक्त साहब इन सब चीज़ों को मंजूरी देंगे, और ये सब बताने के लिए हम इस वक्त आपके बीच में आए थे, और बहुत दिनों से आप लोगों से मुखातिब भी बहुत गुफ्तगू नहीं हो पाई थी। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं TMT का मेंबर हूँ, मैं अपने कार्य को अपने काम को पूरा करूँ और अपने प्रवासियों को मैं सुविधा दूँ, ट्रांसपोर्ट की जो मेरी जिम्मेदारी है उसे जब भी मैं कभी मेरे को मैं यहाँ से मेरा कार्यकाल ख़त्म हो इस्लामुद्दीन भाई, तो मैं ये समझ के जाऊँ कि जब हम को TMT मेंबर बनाया गया था तो उस दिन हमने वादा किया था थाने महानगर पालिका के बीच में, आप लोगों के बीच में हमारे दोस्त तमाम मौजूद थे, हमने वादा किया था कि हम हमारे शहर के लिए जो हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे, तो मैं शमीम खान आपके सुविधा आपके सेवाओं के लिए हमेशा हाजिर हूँ। प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए प्राइवेटाइजेशन के लिए मैं सख्त अपोज करता हूँ, और आपने जो ये इल्ज़ाम लगाया है, मैं इल्ज़ाम कह सकता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोगों का आरोप है। नहीं देखिए लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोग तो कुछ भी कहते हैं, अरे भाई आप मेरी बात को सुनिए, लोग तो कुछ भी कहते हैं, कोई कहने वाले को रोक सकता है क्या? लेकिन जो हम लोग वो लोग हैं जो कहते हैं उतना करते भी हैं। लेकिन शमीम भाई कलवा वालों के लिए छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल, थाना वालों के लिए थाने सिविल, मुमरा वालों के लिए क्या है ना मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल, अगर वहाँ कुछ कभी जाती है तो उसको पूरा करने के लिए हमने आज बात किया है, हमने उसके लिए लेटर दिया है, उसके लिए कोलीवाड़ा में हॉस्पिटल है, उसके लिए मुमरा में यहाँ पर अमृत नगर में, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल जो हमारे शहर को मिला है ये हमारे लिए फख्र की बात है। वहाँ पे वक्त पे जब मैटरनिटी को लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए मैटरनिटी को लेकर के आदिल भाई वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि
हमने सबसे पहली मांग ये किया है, टीकाकरण तो घर घर जाके होता है शमीम भाई, ये जरूरी है। मैटरनिटी के जो हमारी बहने हैं, जो भी जिनको भी कहीं उसकी जरूरत है उनको वक्त से पहुंचना चाहिए हॉस्पिटल, उसके लिए ये हम जो बस की सुविधा चालू करा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बसेज ला रहे हैं हम वहाँ के लिए, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाकी वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं। इस्लामुद्दीन भाई, शमीम भाई, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि टीएमटी बस जो चालू कर रहे हैं और काफी सारे यहाँ पे स्टैंड भी लगाने वाले, लेकिन जो टीएमटी बस ड्राइवर है बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी करके उतारते हैं, तो ऐसे ड्राइवर से क्या कहना चाहोगे आप? आपको कोई ऐसा टीएमटी मेंबर मिला है क्या? सुनिए ना कि वो खुद बस में बैठ जाए और अपने स्टाइल में बैठे और बस में बैठ करके ये पूरा वॉच करे कि कौन सा ड्राइवर कैसा बस चला रहा है, कौन सा कंडक्टर साथ में पैसेंजर के कैसा बिहेव कर रहा है। ऐसा शमीम खान ने अपने तमाम साथियों के साथ में, मुफ्ती साहब आप मौजूद थे, हम लोगों ने किया स्टिंग ऑपरेशन किया, और आपके माध्यम से बता दूं मैं उन कंडक्टर और ड्राइवर को कि शमीम खान कभी भी आ जाएगा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। अगर ऐसा है तो आगे के लिए हम आपके माध्यम से वादा करते हैं कि हम बस में फिर घुसेंगे और इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, और जो इसके जो पाया गया इसके खिलाफ जो भी कोई गलती पे पाया गया उसकी सीधा सीधा हम सस्पेंड की मांग करेंगे। शमीम भाई, हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हम लोगों ने आपके साथ एक सर्वे भी किया था आज से तकरीबन 8 से 10 महीना पहले, वहाँ पे लाखों के इक्विपमेंट सभी भी पड़े हुए, जिसे आपने एक्सरे मशीन की भी बात करी, पेंटा वॉर्मर पड़ा हुआ है, बहुत सारे NICU के भी इक्विपमेंट पड़े हैं जो अभी भी, उसको अभी अगर 8 से 10 महीना हो गया तो ऑब्वियसली वो पड़े पड़े अभी भी जंग खा रहे सर, तो कितने जल्दी ये सारे इक्विपमेंट्स वेस्ट ना हो और पब्लिक की सुविधाओं में काम आए, कितने जल्दी इसके ऊपर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि थाने महानगर पालिका में बजट ना होने के कारण थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन उसके लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बात आयुक्त साहब से किया है और हम लोगों ने भी खत के जरिए उनसे भी मांग किया है। अभी आपको हम खुद बता रहे हैं कि हम लोगों ने खत दिया है, और मैं इंशाल्लाह एक दिन जा करके हम लोग आयुक्त महोदय से मुलाकात भी करके आएंगे और एक ठीक है, अच्छी बात आपने कही है, आयुक्त महोदय से हम लोग एक विनंती करेंगे खत के जरिए कि आप एक विजिट करके पूरा वहाँ का जायजा लें। ठीक।